दोस्तों, फ्रीलैंसिंग नाम है फ्रीडम का, फ्रीलैंसिंग नाम है आजादी का, बी योर ओन बॉस. बट फ्रीलैंसिंग के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. मैं पहले वजाहत करता चलूं बिफोर आई डिस्कस डिसएडवांटेजेस, कि मैं ये इसलिए नहीं डिस्कस करा कि आपको पुट ऑफ कर दूं या आपको शक या मुगालबे में डाल दूं कि जनाब नहीं 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 मैंने नहीं करनी फ्रीलैंसिंग. ये उस वक्त होता है जब कहीं ना कहीं गड़बड़ आप खुद ही करते हैं, तब आपको ये डिसएडवांटेजेस फेस करना पड़ते हैं. वरना फ्रीलैंसिंग मेरे नज़दीक आपके सामने एक मिसाल है, खुशहाली का नाम है, सेल्फ इंडिपेंडेंस का नाम है, प्रॉस्पेरिटी का नाम है. तो पहला कॉन्स यानी कि पहला डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज नहीं है लेकिन बन जाता है बिकॉज आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और आप उनको खैर से, खुश असलूबी से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं. सिर्फ 21% कितने जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, सिर्फ 21% फ्रीलांसर्स क्लेम करते हैं कि जनाब फ्रीलांसिंग उनको खुश नहीं रखती एज कंपेयर टू देयर जॉब. सिर्फ 21%, इसलिए कि शायद वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए कि शायद गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम की ज़हनियत, जो मेंटल बैरियर चेन्स उनके दिमाग के इर्द गिर्द बनी हुई थी, वो उनको तोड़ नहीं पाए. स्किल्ड होंगे, टैलेंटेड होंगे, बट ये मेंटेलिटी के 5 बजे या 6 बजे छुट्टी हो गई और शाम मेरी, रात मेरी और उसके बाद सुबह मेरी, वो फ्री टाइम मेरा ही है, मैं उसको मिस कर रहा हूं या कर रही हूं. दोनों जेंडर्स के बारे में मेरे लिए बात करना बहुत जरूरी है. जनाब ये वो 21% लोग हैं जो पेसिमिस्टिक होते हैं, जो उस फ्रीडम को, टेम्पररी फ्रीडम, मिस करते हैं एज कंपेयर टू बिग एडवांटेजेस, बिग बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग. अब ये 21% लोग, इनकी अगर डाइवर्सिफिकेशन देखी जाए तो एन मुमकिन है कुछ सिनेरियो रखते हैं अपने सामने. एन मुमकिन है ये वो लोग हैं जो पिछले 10 साल या एक दिहाई से ज़्यादा काम कर रहे थे और रूटीन से एडजस्ट हो चुके हैं. मुमकिन है कि ये लेड ऑफ हुए हों अपनी जॉब से, या निकाले गए हों अपनी जॉब से, या ये बेहतर रोज़गार की तलाश में हो, बट माइंडसेट अभी भी जॉब ही की तरफ है. खाली 21% लोग. ये भी मुमकिन है कि ये 21% लोग उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हों जो अपना टाइम या वर्क लाइफ बैलेंस, जो हम बड़ी डिटेल से एक वीडियो में डिस्कस करके आए हैं, उसको समझ ना सके हों, उसको नज़रअंदाज कर रहे हों. अगर आप सिस्टमैटिक हैं, अगर आप एक रूटीन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो फिर तो ये पेसिमिस्टिक अप्रोच सेकेंडरी हो जाती है, ये बेमायनी हो जाती है, बिकॉज आप अपने टाइम के खुद जिम्मेदार हैं, स्केड्यूलर हैं. बट अगर आप 24 घंटे काम कर ही जा रहे हैं, काम कर ही जा रहे हैं, यकीन जाने ये 21% की लोग तो वो हैं जो बोल सके या बता सके. अब वो पॉपुलेशन कितनी है जो बेचारी बोल ही नहीं सकी और सीधा ही चली गई, क्योंकि काम 24 घंटे अगर आप करेंगे पैसे की लालच में या एक पर्टिकुलर ऑब्सेशन की खातिर कि मैंने बस काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है. मेरा मेंटर वासिफ अली वासिफ ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि कितना काम करना है, जिसका मफहूम ये कि क्या फाइलों के तले ही दब जाना है. कितना काम करना है आपने भाई. काम को ऑर्गेनाइज करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है.